कहानी की शुरुआत में हमें तीन फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिनका नाम सहरा, जूनो और बैथ होता है। ये तीनों बोट राफ्टिंग कर रही होती हैं। वहीं किनारे पर सहरा की बेटी जैसिका और उसका हस्बैंड पॉल खड़ा होता है। इसके बाद पॉल सहरा और जैसिका को घर चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये सभी कार में बैठ कर घर जाने लगते हैं। अब रास्ते में सहरा पॉल से कुछ पूछती है जिससे पॉल का ध्यान भटक जाता है और तभी सामने आ रही गाड़ी से पॉल की गाड़ी टकरा जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लोहे की पाइप इनके गाड़ी में घुस जाती है, जिससे अंदर मौजूद ये तीनों बुरी तरह से मारे जाते हैं। अब अगले सीन में हम सहरा को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। दरअसल सहरा उस एक्सीडेंट में बच गई थी। इसके बाद जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि पॉल और उसकी बेटी अब मर चुके हैं, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है और भागते हुए बाहर जाने लगती है। और तभी वो अपनी फ्रेंड जूनो से टकरा जाती है। जूनो सहरा को शांत कराती है लेकिन सहरा इमोशनल होकर रोने लगती है। अब इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनो सहरा को उसके दोस्त के घर ले जा रही होती है। रास्ते में सहरा काफी दुखी होती है क्योंकि वो उस एक्सीडेंट को अभी तक भुला नहीं पाई थी, इसीलिए अब जूनो उसे अपने फ्रेंड के घर ले जाती है ताकि वो सब मिलकर एंजॉय कर सके। अब वहाँ पहुँचने पर इन्हें बाकी के चार फ्रेंड मिलते हैं जिनका नाम बैथ, बैका, सैम और हॉली होता है। ये सब आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद ये सभी रात एक केबिन में बिताने का फैसला करते हैं। अब केबिन में अंदर बैठकर ये सब ड्रिंक करने लगते हैं और साथ ही साथ काफी मस्ती भी करते हैं। फिर रात काफी हो जाने के बाद सभी आराम करने लगती हैं। लेकिन तभी सहरा को एक सपना आता है जिसमें उसे केबिन के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर वो जैसे उस दरवाजे के पास जाती है तभी बाहर से कोई इस लोहे की रॉड को उसमें धसा देता है, जिससे सहरा की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि ये उसका एक भयानक सपना था, जिसके बाद वो दोबारा से सो जाती है। अब अगली सुबह जूनो केबिन के अंदर सभी लोगों को जगाती है और उन्हें रेडी होने के लिए बोलती है, जिसके बाद ये सभी रेडी होकर तैयार हो जाती हैं और फिर ये अपनी एक सेल्फी भी क्लिक करती हैं, जिसके बाद ये अपनी गाड़ी लेकर उस गुफा की तरफ निकल पड़ती हैं जहाँ ये सब एडवेंचर के लिए जाने वाली थी। फिर कुछ देर बाद ये लोग उस गुफा तक पहुँच जाते हैं और अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क कर देते हैं क्योंकि आगे का रास्ता इन्हें पैदल ही तय करना होता है, जिसके बाद ये सभी अपना सामान लेकर आगे की ओर जाने लगती हैं। कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसकी ये सब कुछ फोटो भी क्लिक करती हैं क्योंकि इन्हें एक डॉक्यूमेंट्री भी बनानी थी। अब कुछ देर बाद ये फाइनली उस गुफा तक पहुंच जाती हैं, जहां पर ये देखते हैं कि वो गुफा एक कुएं की तरह दिख रहा होता है। इसके बाद सभी बारी बारी से उस गुफा के अंदर उतर जाती हैं और साथ ही इन्हें वहां पर बहुत सारे चमगादड़ भी दिखते हैं, जिससे ये काफी डर जाती हैं। अब यहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि ये गुफा काफी ठंडा है। फिर ये सब वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे इन सबको जूनो गाइड कर रही होती है। अब आगे जाने पर ये सब काफी थक जाते हैं, जिससे ये सभी रेस्ट करने लगती हैं। इसी दौरान जूनो सहरा से माफी मांगने लगती है क्योंकि वो उस एक्सीडेंट के बाद से उसके साथ नहीं थी, लेकिन सहरा इस बात का जूनो को कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद ये सभी फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। अब आगे जाने पर इन्हें एक बहुत छोटी जगह दिखाई देती है जिसमें से इन्हें आगे बढ़ना होता है। इसमें जूनो सबसे पहले आगे बढ़ती है और बाकियों को वहीं पर वेट करने के लिए बोलती है ताकि वो आगे जाकर देख सके कि आगे जाने का रास्ता है कि नहीं। फिर जब जूनो उस जगह से बाहर निकल जाती है तो वो उन सभी को भी अंदर आने के लिए बोलती है, जिसके बाद ये लड़कियां बारी बारी से उस गुफा से अंदर जाने लगती हैं। लेकिन जब सहरा अंदर आ रही होती है तभी उसकी बॉडी उस पत्थर में फंस जाती है। अब इससे सहरा काफी डर जाती है और उसके बाकी दोस्त भी काफी परेशान हो जाते हैं। सभी लोग सहरा को धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद जूनो उसके पास जाती है। जूनो सहरा को समझाती है कि तुम डरो मत, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो। लेकिन अब सहरा रोने लगती है, जिसके बाद जूनो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी ऊपर फंसा हुआ पत्थर नीचे खिसकने लगता है। ये देखकर जूनो उसे जोर से खींचती है और तभी वो पत्थर वहीं पर गिर जाता है, लेकिन सहरा बिल्कुल सेफ बच जाती है। पर इस दौरान वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाकी फ्रेंड उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे सहरा को होश आ जाता है। अब पत्थर गिरने की वजह से वहाँ पर काफी धूल हो गया था, इसीलिए जूनो सभी को आगे जाने से मना करती है और वो सभी को अपनी जगह पर खड़ा रहने के लिए कहती है। अब कुछ देर बाद जब धूल शांत होती है तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आज तक कोई भी नहीं आया है, यानी कि जूनो ने इनसे झूठ बोला था। इस पर जूनो बताती है कि वो चाहती थी कि वो सभी मिलकर इस नए जगह की खोज करें क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया था। ये सुनकर सभी जूनो पर
पर काफी गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसने इनसे झूठ बोलकर उनका विश्वास तोड़ा था। फिर कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक खाई दिखाई देती है जो कि काफी गहरी होती है। ये देखकर सभी काफी दुखी होती हैं क्योंकि अब इन्हें उसी खाई के रास्ते आगे जाना होगा। अब ये देखकर ये सभी एक प्लान बनाती हैं कि ये एक रस्सी के सहारे आगे जाएंगी। इसके बाद बेका किसी तरह हिम्मत करके रस्सी को एक पत्थर में फंसाती है और वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अब इसके बाद बेका फाइनली उस रस्सी को पत्थर में फंसाकर बांध देती है, जिसके बाद वो उन सभी को इस पार आने के लिए बोलती है। फिर सभी लड़कियां बारी बारी से रस्सी के सहारे इधर आने लगती हैं। लेकिन जब जूनो दूसरी तरफ जा रही होती है तभी उस रस्सी की एक हुक निकल जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाली होती है, पर सैरा उस रस्सी को पकड़ लेती है जिससे जूनो सेफ बच जाती है। पर इससे बेका के हाथ में चोट लग जाती है, जिसके बाद सैरा उसके हाथ में कपड़ा बांध कर उसके ब्लीडिंग को रोकती है और इसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और आगे जाने पर इन्हें पत्थर पर पड़े कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि इनसे पहले भी यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं। उस आर्ट में ये देखते हैं जिसमें दो चित्र बने होते हैं, जिसमें से एक इस गुफा के अंदर आने का और दूसरा यहाँ से बाहर जाने का था, यानी कि अब इनके पास इस गुफा से जाने के लिए दूसरा रास्ता मौजूद है। फिर ये सब उसी रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ती हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वो रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर हॉली तेजी से उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी जूनो उसे रोकती है। लेकिन हॉली कहती है कि उसे आगे रोशनी दिखाई दे रही है। तभी हॉली का पैर फिसल जाता है, पर तभी जूनो उसका हाथ पकड़ लेती है, पर जूनो ज्यादा देर तक हॉली का हाथ नहीं पकड़ पाती, जिसकी वजह से हॉली नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने की वजह से हॉली काफी घायल हो जाती है। इसके बाद जूनो बाकियों के साथ उसकी मदद के लिए वहां जाती है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि हॉली का पैर पूरी तरह से टूट चुका है और उसकी हड्डी भी बाहर निकल आई है, इसीलिए बेका उस हड्डी को वापस से पैर के अंदर डालती है, जिससे हॉली को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसी बीच सारा जब आसपास देख रही होती है तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि वहाँ पानी पी रहा होता है। ये देख सारा बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर जूनो आ जाती है और ये सब सारा जूनो को बताती है, लेकिन जब वो दोबारा से उस तरफ देखती है तो वो क्रिएचर वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर सारा को ऐसा लगता है कि वो लोग शायद इंसान हैं, इसीलिए वो बाहर निकलने के लिए उनसे हेल्प मांगने को कहती है। लेकिन सैरा के इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, जिसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ती हैं। आगे ये सब एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर बहुत से मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ फैली हुई थी। तभी इसी बीच इन पर एक क्रिएचर अटैक कर देता है जो दिखने में काफी डरावना था और उसका फेस भी काफी अजीब होता है। उसे देख कर ये सभी काफी डर जाती हैं और सभी अपनी जान बचाकर भागने लगती हैं। लेकिन हॉली का पैर टूट चुका था, इसीलिए वो क्रिएचर हॉली को बुरी तरह से गले में काट लेता है। ये देखकर जूनो हॉली को उठाने की कोशिश करती है, पर तभी वो क्रिएचर जूनो को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और हॉली की बॉडी को खींच कर ले जाने लगता है। ये देखकर जूनो को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उस क्रिएचर पर एक कुल्हाड़ी से अटैक करती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरा क्रिएचर आ जाता है, जिसके बाद जूनो उसे भी कुल्हाड़ी से बुरी तरह मार देती है। तभी वहाँ पर बैथ पहुँच जाती है, जिससे जूनो डर की वजह से उस पर भी कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है। अब इससे बैथ काफी ज्यादा घायल हो जाती है। ये देखकर जूनो को खुद पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने गलती से अपनी ही दोस्त को मार दिया था। अब बैथ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूनो उसे क्रिएचर समझ कर यहाँ से छोड़कर चली जाती है। फिर हम सैरा को देखते हैं, जिसे वो कैमरा मिल जाता है। सैरा उस कैमरे को लेकर एक कोने में छिप जाती है, जिसके बाद वो कैमरे में उन क्रिएचर्स को देखती है। लेकिन वो क्रिएचर सैरा को नहीं देख पाते क्योंकि वो केवल आवाज ही सुन पाते थे। इधर सैम उस क्रिएचर को देखकर बेका के साथ छिप जाती है, जिससे वो क्रिएचर उनके पास से ही आगे निकल जाता है क्योंकि वो देख नहीं सकता था। फिर जैसे ही वो क्रिएचर आगे की ओर बढ़ता है तभी सैम की घड़ी में अलार्म बजने लगता है, जिससे वो क्रिएचर वापस से इनकी तरफ आने लगता है। फिर सैम समझदारी के साथ उस घड़ी को निकाल कर फेंक देती है, जिससे वो क्रिएचर उस घड़ी के पास जाता है और सैम बच जाती है। इसके बाद हम सैरा को देखते हैं जो हॉली के मरे हुए डेड बॉडी से कपड़ा उतारती है। फिर वो उस कपड़े से एक मसाल बनाती है जिसमें आग लगाकर वो आगे की तरफ बढ़ती है। इधर सैम और बेका पर वो क्रिएचर अटैक कर देते हैं। बेका उससे बचने की काफी कोशिश करती है। इसी बीच यहाँ पर जूनो भी पहुँच जाती है, जो उस क्रिएचर पर हमला करके उसे जान से मार देती है, जिससे बेका बच जाती है। फिर जब सैम उससे बाकी लोगों के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि हॉली और बेथ मर चुकी है। ये सुनकर सैम गुस्सा होती है और जूनो भी इस दौरान रो रही होती है।
जिसके बाद ये लोग एक मरे हुए क्रिएचर को देखते हैं, जिसे चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर पूरी तरह से अंधे हैं, इसीलिए ये किसी भी चीज को देख नहीं सकते, लेकिन इन्हें सभी चीजें सुनाई देती हैं, जिससे ये आवाज सुनकर उस पर अटैक करते हैं। फिर जूनो कहती है कि ये क्रिएचर शिकार करने के लिए यहाँ से बाहर जरूर जाते होंगे, इसलिए हमें पता करना होगा कि ये क्रिएचर यहाँ से बाहर किस रास्ते से जाते हैं। ये सुनकर वो दोनों कहती हैं कि हाँ, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन जूनो उनसे कहती है कि वो सारा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, जिसके हाथ में वही मसाल होती है। फिर जब सारा थोड़ा आगे जाती है तो उसे वहाँ पर बैथ मिलती है, जिसकी हालत काफी नाजुक होती है। अब बैथ सारा को बताती है कि उसका ये हाल जूनो ने किया है, जो उसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गई है। इस पर सारा उससे कहती है कि वो उसे यहाँ पर मरता हुआ छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए सारा बैथ का हाथ खींचती है। तभी बैथ के हाथ में एक ब्रेसलेट आ जाता है, जिसे देखकर बैथ सारा को बताती है कि ये ब्रेसलेट जूनो का है, जिसे तुम्हारे हस्बैंड ने उसे दिया था। ये सुनकर सारा काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड और जूनो का अफेयर चल रहा था, यानी कि उसके ही बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। अब सारा उस ब्रेसलेट को साफ करती है, जिस पर लव ईच डे लिखा होता है। ये देखकर सारा समझ जाती है कि वो दोनों बहुत दिन से रिलेशनशिप में थे। अब सारा बैथ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बैथ उसे मना करती है और वो सारा से खुद को मार देने के लिए कहती है, क्योंकि वो उस क्रिएचर के हाथों नहीं मरना चाहती थी। अब जैसे ही सारा बैथ को मारती है तो तभी वहाँ पर एक और क्रिएचर आ जाता है, जो सारा पर अटैक कर देता है, लेकिन सारा किसी तरह उसे भी मार देती है और यहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जूनो के पास बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं, जो उन तीनों फ्रेंड्स पर हमला कर देते हैं। वो क्रिएचर पहले सैम को मारते हैं, फिर बाद में बैका को भी मार देते हैं, लेकिन जूनो वहाँ पर बच जाती है। तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है, जिसके बाद सारा जूनो से बैथ के बारे में पूछती है। इस पर जूनो कहती है कि बैथ मर चुकी है। सारा फिर से कहती है कि क्या तुमने उसे मरते हुए देखा था। तब जूनो कहती है कि उसने बैथ को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। ये दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं, जो इन दोनों पर हमला कर देते हैं। फिर ये दोनों किसी तरह हिम्मत करके उन क्रिएचर्स को धीरे धीरे मार देती हैं, क्योंकि वो क्रिएचर इतने पावरफुल नहीं थे। उन सभी क्रिएचर को मारने के बाद सारा के हाथ में वो हथियार होता है और उसके हाथ में वो ब्रेसलेट भी होता है, जिसे वो जूनो को दिखाती है। जूनो सारा के हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर काफी हैरान होती है और सोचती है कि ये ब्रेसलेट उसके पास कैसे आ गया। जिसके बाद सारा उसी हथियार से जूनो के ऊपर स्टैप करती है और वहाँ से आगे जाने लगती है। फिर थोड़ा आगे जाने पर सारा को जूनो की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि उन क्रिएचर्स ने अब जूनो को भी मार डाला है। अब सारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद वो दोबारा से होश में आती है, तभी उस पर सनलाइट पड़ती है। सारा उस सनलाइट को देखकर आगे बढ़ने लगती है, जिससे वो उस गुफा से फाइनली बाहर आ जाती है। सारा को बाहर उसकी गाड़ी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलती है। फिर कुछ दूर आगे जाने पर रास्ते में उसे वॉमिटिंग होती है। वॉमिट करने के बाद जब सारा वापस उस गाड़ी पर आती है तो उसे गाड़ी के अंदर जूनो भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। दरअसल सारा ने अभी तक जो भी देखा था वो उसका केवल एक बहम था, इसीलिए सारा अभी भी उस गुफा के अंदर फंसी हुई है और उसके सामने जो फायर लाइट पड़ी होती है उसे देखकर सारा को उसकी बेटी के बर्थडे का विजन आता है। और तभी उसे फिर से उन क्रिएचर्स की आवाज आती है, जो इस बार काफी तेज होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका अगला पार्ट भी देखना है तो जल्दी से नीचे एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।